हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस। डालिएगा अपनी कॉपी में हेडिंग हाउस रेंट अलाउंस एचआरए। इसकी एग्जेम्पशन के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में दिया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि याद तो रहेगा नहीं, लिख लो, फिर भी लिख लो, लिख लो, बार बार लिखते लिखते याद होगा। और कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं आती कि जिसको घोट के पी लो, ओनली ए प्रैक्टिस कैन हेल्प। तो लिखते जाओ, बार बार लिखो, जहां भी एचआरए की बात है कोशिश करो सेक्शन 10-13A रूल 2A लिखो, HRA 10-13A रूल 2A। कम से कम ये ए ए तो भाई भाई है ना, कोशिश करो सेक्शन लर्न करने की। पहले समझिएगा फिर लिखवाता हूँ। एचआरए होता क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, हाउस रेंट के लिए अलाउंस। भाई कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखेगी जॉब पे, तो अगर उसके पास अपना घर है तो भी, नहीं है तो भी, कंपनी अगर देना चाहे, कोई कंपलसरी नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी एम्प्लॉय को आप नौकरी पर रखोगे उसको घर भी दोगे। ये तो आमतौर पर अच्छी बड़ी कंपनीज में फैसिलिटी होती है, या किसी भी कंपनी में आमतौर पर जो एम्प्लॉय अच्छी पोस्ट पर होता है उसके लिए ये एक बेनिफिट होता है। समझ रहे ना? तो अगर क्वेश्चन में एचआरए की बात है तो इसका मतलब कंपनी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि उसको एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, तो इस बारे में हमें कैलकुलेशन करनी होगी। अभी तक जो हमने एक दो अलाउंस पढ़े जिनमें एग्जेम्पशन थी उनमें तो स्ट्रेट थी, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपीज पर मंथ की एग्जेम्पशन थी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 1600 पर मंथ की एग्जेम्पशन थी, वो तो हुआ स्ट्रेट अवे एग्जेम्पशन आ गई। बट एचआरए टाइप कुछ एग्जेम्पशंस ऐसी होती हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ में एक अच्छा डिटेल्ड इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिससे आपको पूरा क्लियर होगा कि एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है। फिर एचआरए के ऊपर जो अलग से टेस्ट अवेलेबल हैं उनको भी आप करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया हाउ एचआरए वर्क्स। तो अब आप लिखना शुरू कीजिएगा, हेडिंग डालिएगा हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल 2A। लिखेगा दिस अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर, दिस अलाउंस इज गिवन बाय एम्प्लॉयर सो दैट एम्प्लॉय कैन बी अ, सो दैट एम्प्लॉय कैन बी अ हिज मंथली रेंटल एक्सपेंसेस, सो दैट एम्प्लॉय कैन बी अ हिज मंथली रेंटल एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। एच आर ए इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ, एच आर ए इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तीन बातें बताऊंगा, एच आर ए इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। पॉइंट ए लिखते जाइए, पहला पॉइंट 50% ऑफ एचआरए सैलरी, 50% ऑफ एचआरए सैलरी इफ रेंट इज बीइंग पेड, इफ रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज। आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट 50% ऑफ एचआरए सैलरी इफ रेंट इज बीइंग पेड इन मेट्रो सिटीज। चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। मेट्रो सिटीज से हमारा रेफरेंस है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, इसी में साथ साथ लिखिएगा और 40% ऑफ एचआरए सैलरी फॉर अदर प्लेसेस, यानी इन चार शहरों के अलावा चाहे बेंगलोर भी हो या कोई भी और शहर हो उसमें हमने लेना है 40% ऑफ द सैलरी। अगर क्वेश्चन में कोई भी सिटी नहीं लिखी तो आप क्या प्रिज्यूम करोगे? कुछ भी नहीं, आप अदर प्लेस ही अज्यूम करोगे ना, क्योंकि हिंदुस्तान में मान लेते हैं 10,000 शहर है। अब 10,000 में से सिर्फ चार में 50% लेना है, बाकी के 9,996 में 40% लेना है। सो ऑब्वियसली इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द सिटी ऑफ रेजिडेंस यू हैव टू प्रिज्यूम, एंड यू हैव टू प्रिज्यूम दैट इट इज अ प्लेस आउटसाइड मेट्रो सिटी।
एंड एक चीज ध्यान रखना, सैलरी के क्वेश्चन में कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो इनकम्प्लीट होंगी और आपको प्रजम्पशन लेनी पड़ेगी, बट यू डोंट हैव टू अज्यूम इन योर हार्ट, अपने दिल में नहीं अजम्पशन लेनी है, वो अजम्पशन नोटबुक पे लेनी है, मतलब आंसर शीट पे लेनी है। यू प्रज्यूम, ये लिखिए आप क्लियरली कि वी आर अज्यूमिंग दैट ही इज लिविंग इन ए नॉन मेट्रो सिटी। लाइक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है वहां पर आप पहले ये एग्जाम्पल लीजिए और फिर आगे बढ़िए। सेकेंड पॉइंट लिखिए बी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एच आर ए रिसीव्ड। बी पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एच आर ए रिसीव्ड। थर्ड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले क्या लिखवाया था, दैट मिनिमम ऑफ द थ्री इज एग्जेम्प्ट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, 50% ऑफ सैलरी बेसिकली इन मेट्रो सिटीज, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। दूसरा हुआ एच आर ए रिसीव्ड, जितना उसको मिला, और तीसरा हुआ रेंट पेड, जितना उसने घर के लिए पे किया उस फिगर में से माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों फिगर में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट और बाकी का पैसा टैक्सेबल। आई रिपीट, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट और बाकी का पैसा टैक्सेबल, राइट। चलिए, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस, दैट दिस अलाउंस इज गिवन फॉर मीटिंग द मंथली रेंटल एक्सपेंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए रूल 2A में इसकी एग्जेम्पशन है। और एग्जेम्पशन के लिए हम तीन अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। मेट्रो सिटीज में 50% ऑफ एच आर ए सैलरी। एच आर ए सैलरी क्या होती है अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अगर मेट्रो सिटीज नहीं है तो 40%, सेकेंड पॉइंट एच आर ए, और थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलिए, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं, फ्रेश एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक्स में नहीं है, और उसके बाद फिर हम बाद में इसको देख लेंगे जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं। मैं एक अपनी तरफ से आपको डेटा दे रहा हूँ, सपोज इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शायद ही आपके काम आए, तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप सिर्फ इसकी कैलकुलेशन को देख लो, फिर भी अगर आप कॉपी करना चाहो तो कर लो। सपोज बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹2 लाख पर एनम, 2 लाख रुपये साल की सैलरी दी है। एच आर ए सपोज क्वेश्चन कहता है इट्स ₹40,000 पर एनम। सपोज रेंट पेड इन दिल्ली, दिल्ली में उसका घर है किराए का, और उसने साल का ₹52,000 पे किया है, दैट्स ₹52,000 पर एनम। एंड द एनुअल बोनस इज ₹10,000 पर एनम। एनुअल बोनस इज ऑब्वियसली पर एनम। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले एच आर ए की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे एच आर ए इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। एच आर ए की एग्जेम्पशन पहले निकालेंगे, इसमें हमने कहा था तीन पॉइंट लेंगे हम। सबसे पहले हम लेंगे 50% ऑफ एच आर ए सैलरी। अब एच आर ए सैलरी जो है इस क्वेश्चन के अंदर है 3 लाख, नहीं सॉरी 2 लैक्स, तो 2 लैक्स का हमने लेना है कितना परसेंट, 50% क्योंकि दिल्ली में है मेट्रो सिटी, तो ये फिगर आ गई हमारी पहली 1 लाख, राइट। सेकंड पॉइंट था हमारा एच आर ए रिसीव्ड। एच आर ए रिसीव्ड जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट्स ₹40,000। थर्ड पॉइंट था हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एच आर ए सैलरी। जो भी हमारी एच आर ए सैलरी है उसका 10% हमें लेना है, रेंट पेड में से माइनस करना है। रेंट पेड कहाँ गया, 52,000, तो 52,000 में से माइनस हो जाएगा 10% ऑफ 2 लैक्स, राइट। 2 लाख है ना सैलरी, उसमें से 10% का माइनस, तो इसका मतलब हमारा ये लास्ट पॉइंट हो गया 52,000 माइनस 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000, तो ये फिगर आ गई 32,000, राइट। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है बेसिक सैलरी 2 लाख, एच आर ए 40,000, रेंट पेड 52, एनुअल बोनस 10। अभी हम ग्रॉस सैलरी की कंपटीशन बाद में करेंगे, पहले एच आर ए का फैसला कर लें। तो एच आर ए इज एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मैं जानबूझ के इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि वो तीन पॉइंट आपने कैसे यूज करने करके। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है 50% ऑफ एच आर ए सैलरी विच इज 2 लाख, इसका 50% लिया मैंने 1 लाख। अगर ये दिल्ली की जगह सपोज नोएडा या कुछ भी, कोई भी एनी जगह अदर देन दिल्ली कुछ भी होता है, जैसे मेट्रो सिटीज, जैसे माना अजमेर, अलवर, जयपुर, अहमदाबाद, कुछ भी होता, तो आई वुड हैव टेकन 40%।
नाउ एच आर रिसीव्ड इज 40,000, वो तो क्लियर कट गिवन है क्वेश्चन में, और रेंट पेड भी 52,000 है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 10% ऑफ सैलरी, तो इट इज कमिंग टू 32. नाउ 32,000 आप देख सकते हो, तीन फिगर्स हैं मेरे पास, एक फिगर है 1 लाख, एक फिगर है मेरे पास 40,000, और एक फिगर है मेरे पास 32. क्वेश्चन कहता है, आई एम सॉरी, लॉ कहता है तीनों में से जो मिनिमम हो वो एग्जेम्प्ट है, सो इट इज एग्जेम्प्ट बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो सबसे कम हो, मिनिमम ऑफ द थ्री, नॉट फॉलोइंग, आई एम सॉरी, इट इज एग्जेम्प्ट बीइंग मिनिमम ऑफ द थ्री, तो तीनों में से ये फिगर सबसे कम थी इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो गई, करेक्ट. सो दैट मीन्स माई एच आर ए टैक्सेबल, एच आर ए जो टैक्सेबल आ रहा है, दैट इज मिला कितना था 40, और इसमें से माइनस हो गया मेरा एग्जेम्पशन पोर्शन, दैट इज 32,000, सो इट इज कमिंग टू रुपीज 8,000. टेक्निकली ये वर्किंग नोट है, बाद में आना चाहिए, लेकिन कई बार पहले आगे के पीछे में ना गड़बड़ हो जाती, तो बेटर है अगर इस तरह का क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा पहले एच आर ए को सॉल्व कर लो, उसके बाद तो सीधा सीधा क्वेश्चन है. अब हम इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, देर इज नो प्रॉब्लम. अब ग्रॉस सैलरी निकालने में कोई मुश्किल आएगी ही नहीं, एक ही पॉइंट था वो हमने निकाल लिया. बेसिक सैलरी दैट इज कमिंग टू रुपीज 2 लाख, देन सेकेंड इज एच आर ए विल टेक द टैक्सेबल अमाउंट. नेचुरली जब मेन क्वेश्चन आएगा उसमें तो टैक्सेबल अमाउंट ही लेंगे, क्योंकि 32,000 की तो एग्जम्पशन हो गई, तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गया 8,000. देन वी हैव रेंट पेड, ये तो खर्चा है, एंड एनुअल बोनस, एनुअल बोनस है हमारा 10,000 का, तो ये हमारा टैक्सेबल हो गया. तो टोटल हमारी जो ग्रॉस सैलरी आ गई इस क्वेश्चन में, दैट इज रुपीज 2,18,000. ठीक है, बहुत ही इजी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट टू इलस्ट्रेट हाउ दिस एच आर ए वर्क्स. ये जो तीन पॉइंट की बात हम कर रहे थे कि जो मिनिमम ऑफ द थ्री इज एग्जाम, तो वो तीन चीजें कैसे कैलकुलेट होंगी, उस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने किया. सो आई थिंक नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, देर इज नो डिफिकल्टी इन एच आर ए, एच आर इज ऑल्सो वेरी सिंपल. अब इसमें जो थोड़ी सी समझने की बातें रह जाएंगी वो ये कि भाई ये एच आर ए सैलरी क्या है, थोड़ा सा भी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एंड दूसरी बात ये रहेगी दैट एच आर ए सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस. ये एक दो कंसेप्ट और हैं एच आर ए में, वो मैं अब आपको बता देता हूँ. राइट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं. नाउ स्पेशल पॉइंट्स, पहली बात तो ये है, देर इज नो डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एच आर ए व्हेन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई. मोस्टली अलाउंसेज में डिफरेंसेस नहीं है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आप नोट करो, आप छोड़ भी सकते हो. हाँ, सैलरी हियर मींस, ये लिखो नाउ, प्लीज नोट डाउन, एच आर ए सैलरी मींस, प्लीज नोट डाउन, एच आर ए हाउस रेंट अलाउंस, एच आर ए सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए, डीए के ब्रैकेट में लिखिएगा टू द एक्सटेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, टू द एक्सटेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुन लीजिए. क्वेश्चन में तीन तरह से डीए दिए होगा, पिछली वीडियो में बताया था, एक बताया था डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, दूसरा बताया था डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और तीसरा बताया था पार्शली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. टैक्सेबल तीनों है. अब सवाल ये उठता है कि एचआरए सैलरी में कौन सा डीए लेना है, तो एचआरए सैलरी में वो डीए लेना है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी. अगर क्वेश्चन कहता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, पूरा ले लो. क्वेश्चन कहता है पार्शली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जितना कहता है उतना ले लो. क्वेश्चन कहता है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मत लो, बात खत्म. ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है वेरिएबल सेल्स कमीशन ऑन द टर्नओवर अचीव्ड, यानी सेल्स कमीशन भी एचआरए सैलरी में जुड़ेगा. बट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने को लेना है सिर्फ वेरिएबल सेल्स कमीशन. ओनली सेल्स कमीशन टू बी कंसिडर्ड हेयर इज वेरिएबल सेल्स कमीशन. वेरिएबल सेल्स कमीशन का मतलब हो गया जो परसेंटेज बेस्ड है, जो टर्नओवर की अचीवमेंट पे डिपेंड करता है. ये नहीं 1,000 रुपये 2,000 रुपये महीना फिक्स है, चाहे सेल कम हो चाहे ज्यादा, वो सेल्स कमीशन कमीशन नहीं माना जाएगा, वो तो एक तरह से सैलरी जैसा हो गया. तो जो वेरिएबल सेल्स कमीशन है सिर्फ वो लेना है जो ऑन टर्नओवर अचीव्ड हो, बाकी कोई और फिक्स कमीशन परचेज कमीशन दिया हो उसको आपने इग्नोर करना है. राइट, और ये जो सेल्स कमीशन हम ऐड कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐड करने को इन द रूलिंग ऑफ गेस्टेटनर डुप्लीकेटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. तो अगर आपको पूरा ना भी याद रहे सुप्रीम कोर्ट 1979, तो एटलीस्ट ये गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स याद कर लीजिएगा. सैलरी के चैप्टर में ये जो एच आर ए सैलरी का मीनिंग है, ये 5-6 जगह यूज होता है अलग अलग. यानी कि जो एच आर ए सैलरी का मीनिंग है वही आर पी एफ की सैलरी का भी मीनिंग है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का,
और भी कई जगह यूज होगा। तो बेटर ये रहेगा कि ये रूलिंग आप प्लीज भगवान के लिए याद कर लेना कि जो एचआरए की सैलरी अगर थ्योरी कहीं यूज पड़ जाए तो आप उसमें लिख पाओ दैट इट इज एज पर गेस्टेटनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरे ख्याल से आपको एचआरए की सैलरी का मीनिंग क्लियर है। अब मैं वापस जा रहा हूं, आपको ध्यान होगा हमने क्या पढ़ा था कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लेना है 50% ऑफ एचआरए सैलरी, अगर मेट्रो सिटी है नहीं तो 40%, तो वो इन तीनों के टोटल का 50% लेना है। इसी तरह से लास्ट पॉइंट था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी, तो वो भी इसी तीनों पॉइंट के टोटल का 10% लेना है। इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के डीए और कमीशन को इग्नोर किया था, मतलब क्वेश्चन में कंसीडर ही नहीं किया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने आपको एचआरए की सैलरी का मीनिंग बता दिया है, राइट। अब मैं यहां पर एक स्लाइड लेके एक आपको एग्जाम्पल से इस पॉइंट को इलस्ट्रेट करूंगा, राइट। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर तीन केसेस लेने की कोशिश करूंगा, केस ए, केस बी एंड केस सी, राइट। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं इनकी बेसिक सैलरी मैं ले लेता हूं, ठीक है, बेसिक सैलरी पर एनम। सपोज केस ए में हम ले लेते हैं 2 लाख, बी में हम ले लेते हैं 3 लाख और सी में हम ले लेते हैं 4 लाख, राइट। चलिए अब हम ले लेते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। सपोज ये पूरे साल का क्वेश्चन कहता है 40,000, इसमें कहता है मान लेते हैं 30,000 और इसमें कहता है मान लेते हैं 1,20,000। फिर आ गया फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है या नहीं है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सपोज इस क्वेश्चन में वो कहता है 100% है, इस क्वेश्चन में वो कहता है नॉट फॉर्मिंग है, इस क्वेश्चन में वो कहता है पार्शली फॉर्मिंग है, से 30% फॉर्मिंग है, ठीक है। अब सेल्स टर्नओवर की बात भी कर लेते हैं। सपोज सेल्स टर्नओवर जो अचीव की गई है पर एनम में, दैट इज सपोज यहां पर 3 लाख है, ये 5 लाख है और ये 10 लाख है, राइट। अब हमने देखना है इनको कमीशन कितना मिल रहा है। सपोज हम कमीशन की परसेंटेजेस अज्यूम कर लेते हैं, कमीशन जो यहां पर मिल रहा है से वो मिल रहा है 2% जितने भी टर्नओवर अचीव्ड है। यहां मिल रहा है सपोज 6,000 पर मंथ, यानी यहाँ फिक्स है, टर्नओवर पे बेस नहीं है, और यहाँ मिल रहा है सपोज 3%। सपोज मैं कहता हूँ क्वेश्चन यही है कि कंप्यूट सैलरी फॉर एचआरए पर्पस। अभी मैं इसमें टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, एचआरए सैलरी को ही मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्यूट द सैलरी फॉर एचआरए पर्पस। नाउ अब मैं केस बाय केस सॉल्व करता चलूंगा। जहां तक सवाल है बेसिक सैलरी का, वो तो फिर तीनों में लेने ही लेना है, तो इसलिए यहां हो गई 2 लाख, यहां हो गई 3 लाख और यहां हो गई 4 लाख। मेन जो समझने का है वो है डीए और कमीशन। अब जहां तक डीए का सवाल है, यहां पर 100% लेना है, तो यानी मैं यहां ले लूंगा 40,000, यहां पर नॉट फॉर्मिंग है तो इसको निल। याद रखिएगा मेन क्वेश्चन में डीए आएगा बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ डीए फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन एचआरए सैलरी में डीए तभी आएगा जब इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एज इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो इसलिए मैंने यहां इसको ले लिया निल, मैंने इसको छोड़ दिया, राइट। ये समझने का मेन पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं पार्शली फॉर्मिंग, जैसे सी में 30% फॉर्मिंग था टोटल 1,20,000 का, तो 120 फुल्ली टैक्सेबल होगा, लेकिन एचआरए के लिए क्योंकि 30% फॉर्मिंग है तो हमने उतना ही डीए लेना है जितना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है। तो ये हो गया कितना आ गया आपका 1,20,000 का 30%, 36,000, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे सेल्स कमीशन की। सेल्स कमीशन हमने तभी लेनी है एचआरए सैलरी में जबकि वो परसेंटेज बेस्ड हो। जैसे अब इस केस ए में 2% ऑफ द टर्नओवर है, तो 3 लाख का 2% 6,000 रुपये हम ले लेंगे, जबकि यहाँ पर जो दूसरा केस है उसमें आप देखिएगा कि फिक्स है 6,000 रुपये महीना, टर्नओवर पर बेस्ड नहीं है, तो गेस्टेटनर डुप्लीकेटर की रूलिंग यहाँ अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। और अगला वाला जो केस है वो परसेंटेज बेस्ड है, 10 लाख का 3%, तो 30,000 हम यहाँ पर भी ले लेंगे।
अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो एचआरए सैलरी आ रही है जिसका 40 50 या 40% लेना है फर्स्ट पॉइंट में, वो इस में आ गई 2,46,000, इसमें रह गई 3 लाख क्योंकि और कोई फिगर ऐड ही नहीं हो पाई, और इसमें ये हो गई 4,66,000। आई थिंक अब आपको एचआरए सैलरी भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो हमने तीन कंसेप्ट्स पढ़े कि एचआरए सैलरी में इस तरह से बेसिक सैलरी लेना है, डीए के बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने परेशान होने की कसम खा रखी है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेन क्वेश्चन में जिसमें ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी कंप्यूट होगी उसमें डीए आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ डीए फुल्ली टैक्सेबल, बट एचआरए हमारा वर्किंग नोट है, एचआरए एक स्पेशल पॉइंट है, उसकी कंप्यूटेशन के लिए डीए तभी लेना है व्हेन इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। तो 40,000 हमने पूरा लिया केस ए में बिकॉज इट इज फुल्ली फॉर्मिंग, बी में छोड़ दिया बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग, और सी में 30% लिया 1,20,000 का 36,000 बिकॉज ये पार्शली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो जो पिछले पेज पे कंसेप्ट समझाया था उसको मैंने इस पे इलस्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि दैट डीए आप कंसीडर करेंगे व्हेन इट इज कंप्यूटिंग फॉर ऑल द रिटायरमेंटल बेनिफिट्स। अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, 99.99% क्वेश्चन में ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं होगा। आमतौर पर क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया होगा कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है या नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन में हो सकता है, फिर भी मैंने कवर किया ये पॉइंट कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि डीए जो है वो कुछ बेनिफिट्स के लिए कंसीडर हो रहा है, कुछ के लिए नहीं, तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो सारे रिटायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए कंसीडर हो रहा है तो लेके चलेंगे। आई रिपीट, अब जैसे रिटायरमेंटल बेनिफिट में क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब होता है ना। तो आमतौर पर किसी भी कंपनी में डीए को लिया जाता है, या तो लिया जाता है या नहीं लिया जाता, तो ऐसा ही क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि भाई मान लेते हैं जैसे मैंने कहा रेयरेस्ट क्वेश्चन कि डीए जो है वो पीएफ के लिए तो ले रहे हैं लेकिन ग्रेचुटी के लिए नहीं ले रहे, तो ऐसे में फिर हम डीए को नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी चलेंगे, यानी कि फिर उसको हम एचआरए सैलरी में छोड़ देंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा, बट एक बार आपके दिमाग में डाल दिया, कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो ले लेंगे। अब ये चीज़ें भी जो मैंने नोट बना के दिया है ये भी बेसिकली लिखने का नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आने वाली चीज़ है कि अगर क्वेश्चन में डीए के बारे में कुछ नहीं लिखा, अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आप क्या करोगे, आप यही मानोगे ना द डीए इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर डीए को फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेके चलती है तो उसके रिटायरमेंटल बेनिफिट्स की फिगर बढ़ जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक योर अजम्पशन, और मैं बोल भी चुका हूं कि वो अजम्पशन आपको लिखनी है। सो अगर डीए के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो आप डीए को एचआरए में इग्नोर करके चलोगे। इसी तरह से कमीशन का भी जहां तक सवाल है, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि सेल्स पे कमीशन लेना है, अगर कोई मंथली कमीशन है या परचेज कमीशन है तो उसको एचआरए सैलरी में इग्नोर करना है। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। चलिए, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा देखने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप कॉपी में नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट करके या नोट करके, दैट सैलरी फॉर एचआरए, लिखिएगा इस पॉइंट को प्लीज लिखिएगा, सैलरी फॉर एचआरए इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस, सैलरी फॉर एचआरए इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब हो गया कि जितने महीने आपका जो अकोमोडेशन आपने रेंटेड ऑक्यूपाई किया है उतने ही महीने की सैलरी लेनी है ना, कोई एडवांस और एरियर्स अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो वो आपने इग्नोर करके चलना है। लिखिएगा इस बात को, मैंने अभी तक आपको लिखवाया दैट सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस फुल स्टॉप, ऑल एडवांसेज एंड एरियर्स, लिखेगा ऑल एडवांसेज एंड एरियर्स शैल बी इग्नोर्ड फॉर एच आर ए कैलकुलेशन, ऑल एडवांसेज एंड एरियर्स शैल बी इग्नोर्ड फॉर एच आर ए कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ अब आपने जैसे कंसेप्ट समझा तो आपने देखा होगा कि एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 1013A चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहली उसकी सैलरी कितनी है, दूसरा उसका एचआरए कितना है, तीसरा उसका रेंट कितना है, और चौथा वो रहता कहाँ है, मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो। अगर इन चारों में से कोई भी फैक्टर चेंज ना हो तो एनुअल कैलकुलेशन होगी, लेकिन अगर किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज आया तो कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर करनी पड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट भी प्लीज़ नोट कर लीजिए, लिखिए नोट वन अगर पहले बनाया था सैलरी ऑन ड्यू बेसिस वाला, तो अब दूसरा नोट बना लीजिए, एचआरए सैलरी इज टू बी टेकन ऑन ड्यू बेसिस, ओ सॉरी कहाँ घूम गया,
सेकेंड पॉइंट, आई एम सॉरी, सेकेंड पॉइंट था ना हमारा कि जो फैक्टर्स है वो फोर है. लिखिएगा, एच आर ए एग्जेम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन फोर फैक्टर्स. एच आर ए एग्जेम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन फोर फैक्टर्स. चार फैक्टर्स पर एच आर ए की एग्जेम्पशन जो है वो डिपेंड करेगी. ए, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई. बी, हिज एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, हिज एच आर ए. सी, रेंटल ऑब्लिगेशंस. सी, रेंटल ऑब्लिगेशंस. एंड डी, सिटी ऑफ हिज रेजिडेंस. डी, सिटी ऑफ हिज रेजिडेंस. इन चार फैक्टर्स पे एच आर ए की एग्जेम्पशन डिपेंड करेगी. आगे लिखिएगा फुल स्टॉप. If all the four factors are same throughout the year, then one annual calculation shall be done. Otherwise, if there is any change in any factor, then calculation shall be done on monthly basis. Fine. तो इसके ऊपर इलस्ट्रेशन एक आएगी. लास्ट पॉइंट एक है, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा दूंगा. इसमें लिखा है कि नो एग्जेम्पशन ऑफ एच आर ए. मैं इसको पढ़ रहा हूं यहां पर कि एच आर ए की एग्जेम्पशन कब नहीं मिलेगी. आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, बट इन माई ओपिनियन कोई खास पॉइंट नहीं है. इफ एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस. एक्चुअली अब अपने घर में रह रहा है तो रेंट पेड कहां से आएगा. एच आर ए की एग्जेम्पशन में तीन बातें थी, 50% ऑफ सैलरी, एच आर ए एंड रेंट पेड माइनस 10%. अब रेंट पेड जीरो हो तो वही मिनिमम हो जाएगा, मीन्स नथिंग इज एग्जेम्प्ट, एच आर ए इज फुली टैक्सेबल. सो अगर वो अपने ही घर में रह रहा है, रेंट कोई दे ही नहीं रहा, तो पहली बात तो कंपनी एच आर ए नहीं देगी, अगर दे भी देगी तो फुली टैक्सेबल. और दूसरा, अगर उसका रेंट 10% ऑफ सैलरी से कम है, वही पॉइंट फिर से आता है थर्ड पॉइंट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अगर रेंट उसका 10% ऑफ सैलरी से भी कम है तो वो पॉइंट जीरो हो जाएगा. एंड जीरो इज मिनिमम, जीरो इज एग्जेम्प्ट, मीन्स एच आर ए इज फुली टैक्सेबल. तो ये पॉइंट कोई खास रेलिवेंट नहीं है, तो ऑब्वियस ही है कि अगर वो रेंट नहीं दे रहा या 10% ऑफ सैलरी से भी कम दे रहा है तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है. एच आर ए जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं. अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि आपके असाइनमेंट में, आपकी बुक में दिया हुआ है. प्लीज ओपन योर बुक्स एंड फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 3.3. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3.3. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. First, I'm reading the question for you. The question says, basic pay is 3000 per month, DA is 600 per month. अभी कुछ नहीं लिखा. अगर इस question में DA के बारे में कुछ ना आए तो हम not forming part of salary लेके चलेंगे. Commission 6000 per annum, fix है, याद रखना. तो इसको HRA salary में नहीं लेंगे. Next, motor car for personal use, expenditure of employer. HRA salary में तीन ही चीजें लेते हैं, basic salary, डीए वो भी जब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो, और तीसरा वेरिएबल सेल्स कमीशन, यानी कि सेल्स कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉई. बाकी कोई और अलाउंस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस और कुछ नहीं लेते. या कोई फैसिलिटी हो, कार या कुछ भी, एजुकेशन या कुछ भी, एनी अदर फैसिलिटी इसमें कंसिडर नहीं की जाती. तो यही तीन चीज़ें लेते हैं एचआरए में, तो ये तो वैसे इग्नोर हो जाएगा. एचआरए है 900 पर मंथ, चलो ठीक है. We have to find out the amount of HR eligible for exemption. यानी HRA की exemption निकालनी है to Rajkumar, assuming that he has paid a rent of 1000 per month for his accommodation at Kanpur. Now Kanpur is a non-metro city. तो हम इसको लेंगे 40% of HRA salary, right?
डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, ये आ गया। चलो अच्छी बात है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट द, मैं इसको वर्किंग नोट को पहले ले लेता हूँ, वर्किंग नोट वन, दिस इज माई कंप्यूटेशन ऑफ एच आर ए सैलरी, क्योंकि उसके बिना गुजारा है नहीं। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी दी है क्वेश्चन में, 3000 पर मंथ। हम एनुअल बेसिस पे सॉल्व करेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि चेंज की किसी फैक्टर के बारे में कोई बात हुई नहीं है। तो एच आर ए सैलरी जो आ रही है इसमें हमारी, दैट इज कमिंग टू, बेसिक सैलरी आ रही है 36,000, राइट। डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी ये बताई दिया उन्होंने, सो डी ए फॉर्मिंग को भी हम ले लेंगे। इट इज 600 × 12, तो इट इज कमिंग टू 7200, राइट। तो मेरी एच आर कमीशन, इसके बारे में लिखेंगे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 6000 पर एनम और ये बताया भी नहीं कि सेल्स है क्या है। सो कमीशन के बारे में हम लिखेंगे इग्नोर फॉर एच आर ए, एच आर ए के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको निल लेंगे। सो माई टोटल एच आर ए सैलरी इज कमिंग टू, टोटल एच आर ए सैलरी इज कमिंग टू 36 × 7, 43,200। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3, इसके अंदर क्लियरली दिया है बेसिक पे इज 3000 पर मंथ। डीए के बारे में वहां कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन बता रही है डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स। कमीशन के बारे में तो क्वेश्चन साइलेंट है, सेल्स पे है नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कंसिडर इट। तो माई एच आर ए सैलरी इज 43,200। नाउ एच आर ए की एग्जेम्पशन पूछ रहा है, तो एच आर ए इज एग्जेम्प्ट, एच आर ए इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ये बात मुझे किसने बताई, ये बात मुझे बताई सेक्शन 1013A रूल 2A ने, रूल 2A ऑफ इनकम टैक्स रूल्स ने। मेरे ख्याल से स्पेस कम है, तो बेटर है कि हम इस कंप्यूटेशन को अब नेक्स्ट पेज पे ले लें। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कानपुर होने की वजह से विल टेक 40% ऑफ एच आर ए सैलरी, सो इट इज 43,200 × 40%, तो दिस फिगर आई हैव टू यूज माई कैलकुलेटर, 43,200 इसका 40% हमें लेना है, तो इट इज कमिंग टू 17,280, राइट। नाउ वी विल टेक बी पॉइंट, द एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, एक्चुअल एच आर ए received, HRA is given in the question, HRA is 900 per month, 900 × 12, it is coming to 10,800, right. Third is rent paid minus 10% of HRA salary. Now my rent paid is in the question, it is 1000 per month for accommodation at Kanpur, so 1000 × 12, that's 12,000 minus 10% of salary, so it is 10% of salary, salary is 43,000, HRA salary I mean 1200, so it is 12,000 माइनस 4320, सो कैलकुलेशन अगर हम करें तो 12,000 माइनस 4320 इट इज 7680, ठीक है। तो तीन फिगर्स मेरे पास निकल के आई, एक 40% ऑफ सैलरी, 40% इसलिए लिया क्योंकि कानपुर है, दूसरी मेरे पास फिगर निकल के आई एक्चुअल एच आर ए की विच इज 10,800, और तीसरी फिगर निकल के आई रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 7680। सो आई कैन डेफिनेटली राइट दैट रुपीज 7680 बीइंग द मिनिमम इज एग्जेम्प्ट, बीइंग द मिनिमम इज एग्जेम्प्ट। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता, वैसे तो मेरा आंसर यही खत्म है, बिकॉज ने पूछा फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एच आर ए एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन इज 7680, मेरा आंसर खत्म। बट अगर क्वेश्चन में पूछा होता टैक्सेबल एच आर ए कितना है,
सो माई टैक्सेबल एच आर ए इज इक्वल टू मिला कितना, दैट इज 10,800। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितना एग्जेम्प्ट है, दैट इज 7,680। सो मेरा टैक्सेबल एच आर ए हो जाता अगर क्वेश्चन पूछता, सो 10,800 माइनस 7,680, मेरा टैक्सेबल एच आर ए हो जाता 3,120। पूरा सैलरी के चैप्टर में बार बार ये एच आर ए घूम घूम के आएगा, तो ऐसा मत सोचना दिल में अरमान कोई रह जाए कि सर और एच आर ए के क्वेश्चन हो जाते। पहली बात तो टेस्ट की फॉर्म में एच आर ए के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, अदरवाइज आल्सो आप एच आर ए के लिए अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी पूरा सैलरी का चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, बार बार अलाउंसेस जो हैं वो घूम फिर के आएंगे, तो एच आर ए आता ही रहेगा। बाकी एच आर ए पे एक और बड़ा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू।